अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर आबिद काजमी। और इस वीडियो को आप इसलिए वॉच कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो आपका अपकमिंग असाइनमेंट है विच इज़ अबाउट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे उसको सबमिट करना है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके अंदर। सो पहले तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई हैं आपको वो टॉपिक सिखाने के लिए, और आपको जो IXL की स्किल प्रैक्टिस करनी है वो सिखाने के लिए, और ये जो तीसरी वीडियो जिसको अभी आप वॉच कर रहे हैं कि जो असाइनमेंट को कैसे करना है उसके बारे में है। तो प्लीज़ सबसे पहले इन तीनों वीडियोस को वॉच कीजिए और उसके बाद जो असाइनमेंट गिवन है आप यहाँ देख सकते हैं। पहली वीडियो आपके पास है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यूट्यूब की एक वीडियो खुलेगी, आप उसको वॉच कर सकते हैं, जिसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन सीखने के बाद आपको IXL की एक स्किल भी मास्टर करनी है, तो उस स्किल को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए ये सेकंड वीडियो आपके लिए है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास YouTube की एक और वीडियो आएगी, उसमें भी आपको उस स्किल को सॉल्व करके दिखाया गया है कि कैसे आपको वो स्किल सॉल्व करनी है। तो आप पहले ये वीडियो वॉच कीजिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो वॉच कीजिएगा, और उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे ये असाइनमेंट नजर आ रहा है जो आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि असाइनमेंट को अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए, जो सवालात उसमें पूछे गए हैं और जो सॉल्व करने का कहा गया वो कॉपी में कीजिए या किसी पेपर पेंसिल पे कीजिए, और उसके बाद अपने वर्क की पिक्चर्स लीजिए मोबाइल से या किसी भी चीज से और उसको असाइनमेंट के साथ अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो आपको जो काम आपने कॉपी में किया है वो अटैच करना है, टीचर उस वर्क को देख के ही आपको काम देगा। दो इंपॉर्टेंट नोट हैं, पहला ये कि जो आप इस असाइनमेंट के मार्क्स हैं जो कि 5 मार्क्स हैं, ये आपके टर्मिनल रिजल्ट के साथ काउंट किए जाएंगे, और असाइनमेंट को ड्यू डेट से पहले सबमिट करिएगा प्लीज, अदरवाइज इसको आप सबमिट तो कर सकते हैं, टीचर चेक भी करेगा लेकिन आपको उसका स्कोर नहीं दिया जाएगा। इसका जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट फ्राइडे की है, तो उसी हिसाब से आप उससे पहले पहले इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलें, ये बातें तो हो गई तमाम आपके असाइनमेंट से पर्टेनिंग जो इंस्ट्रक्शन है। आपके पास ये तीसरे नंबर पे फाइल है, PDF फाइल है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन असाइनमेंट के नाम से, Grade 5। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मोबाइल फोन में भी और लैपटॉप में भी इस तरीके से यह असाइनमेंट आपके सामने आ जाएगा। अब इस असाइनमेंट में क्या लिखा है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले पहला टास्क है आपके पास, टास्क नंबर 1, उसमें आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें आपके पास 4 के 4 ऑपरेशंस यूज किए गए हैं, जैसे कि 4 + 9 / 3 / 5 - 2, ये एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पहले आपको क्या करना है, सॉल्व द एक्सप्रेशन गिवन अबव। ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन है इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर्स गिवन है, जाहिर है इसके अंदर एक से ज्यादा ऑपरेशन है तो आपको पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करना है उसके लिए आपको ऑर्डर्स गिवन है, तो 1 by 1 आपको इन डिफरेंट ऑर्डर्स में उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको उसको लेफ्ट टू राइट चलना है और सॉल्व करना है, मतलब पहले आप प्लस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप चलेंगे राइट टू लेफ्ट, नेक्स्ट में आप चलेंगे राइट टू लेफ्ट, उसमें क्या मतलब है कि पहले आप माइनस करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे और फिर आप प्लस करेंगे, फिर देखेंगे कि आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट में Part 3 में आपसे कहा जा रहा है कि पहले आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे, मतलब आप पहले 4 + 9 करेंगे और फिर 5 - 2 करेंगे और उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर्स आएंगे उनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आपके पास जो 4th आपके पास पार्ट है उसमें कहा जा रहा है कि पहले आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले आप इसको डिवाइड करें, उसका जो आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट तरीके के ऑर्डर्स आपको गिवन है, आपको 1 by 1 तमाम ऑर्डर्स के साथ अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहला टास्क, पहला आपका क्वेश्चन ये है आपकी इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको ये 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं, इन 3 सवाल के जवाब देने हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, डू यू थिंक दैट अ सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन गिव 4 डिफरेंट आंसर्स,
ये जैसे कि आपके पास ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी, तो आपने चार जब अलग अलग ऑर्डर से इसको सॉल्व किया तो डिफरेंट आंसर आए, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक हो और उसके एक से ज्यादा आंसर आए? क्या ये पॉसिबल है? आपको इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, अपने वर्ड्स में कीजिए, आप एक दो लाइनों में इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ दिस प्रॉब्लम ऑफ हैविंग डिफरेंट आंसर्स ऑफ अ सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन बी सॉल्व्ड, कि जैसे कि यहां पे अगर हम अलग अलग ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं तो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो ये तो एक प्रॉब्लम वाली बात है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या आइडिया लगाना चाहिए कि हमेशा एक ही आंसर आए, ठीक है? नेक्स्ट आपको जवाब देना है कि इन चारों में से जो आपने चार डिफरेंट सॉल्यूशंस किए हैं डिफरेंट ऑर्डर्स को फॉलो करके, उनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो ठीक है अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। अब ये स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन वही है जो कि आपको मैंने वीडियो दिखाई है, उस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको वीडियो वॉच करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है, और उसके तहत बताना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन है जो ठीक है आपके पास, ठीक है? तो ये तो आपका बड़ा आसान सा टास्क नंबर वन हो गया कि पहले आपको फोर डिफरेंट ऑर्डर्स में आपको सॉल्व करना है और फिर उन सॉल्यूशन के आंसर्स को देखते हुए आपको ये तीन सिंपल से आंसर्स हैं उनको लिखना है, पहला टास्क हो गया। नेक्स्ट टास्क है आपके पास, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या करना है आपको, यूज एनी ऑफ द फोर ऑपरेशंस, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये फोर डिफरेंट ऑपरेशंस हैं आपके पास, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी यूज करना है और राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दैट हैव द आंसर 10, और आपको इन इंस्ट्रक्शन को देखते हुए एक्सप्रेशंस बनानी है, और ऐसी एक्सप्रेशंस बनानी है कि जिनका आंसर सॉल्व करने के बाद क्या आए, आंसर आए 10, ठीक है जी? तो जैसे कि मैंने आपको एक बना के दिखाई हुई है, यहां पे लिखा था एन एक्सप्रेशन विच हैज ओनली 2, 3 एंड 4, ऐसी एक्सप्रेशन बनाए कि जिसके अंदर 2, 3 और 4 आए। जाहिर है ये इंस्ट्रक्शन तो है और मेन इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आंसर उसका 10 ही आना चाहिए, तो आपको मैंने एक बना के दिखाई है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे 2 × 3 + 4 लिखा हुआ है, तो 2 × 3 + 4 को जब आप सॉल्व करेंगे, 2 × 3 आंसर आएगा 6 और प्लस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो ये मैंने वो एक्सप्रेशन बनाई है जिसके अंदर 2, 3 और 4 भी आ रहा है और इसका जो आंसर है वो 10 के भी बराबर आ रहा है। सो इसी तरह आपको ये तमाम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और ऐसी एक्सप्रेशंस बनानी है जिनका आंसर जो है वो 10 के बराबर है, ठीक है जी? यहां पे आपको एक नोट दिया हुआ है कि एक एक्सप्रेशन में आप एक ऑपरेशन को एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मल्टीप्लाई अगर मैंने एक बार यूज कर लिया है तो मैं इसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन को दोबारा से यूज नहीं कर सकता, ठीक है जी? नेक्स्ट में आपको 2, 3, 4 ही यूज करना है, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं बनानी बल्कि इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन बनानी है, जैसे यहां लिखा हुआ है क्रिएट अ डिफरेंट एक्सप्रेशन फ्रॉम द अबव। एक तो मैंने बना दी है 2, 3 और 4 को यूज करके, आपको 2, 3, 4 ही यूज करने हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और सी आपको एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है जी? नेक्स्ट आपको बनानी है एक्सप्रेशन विच हैज 4 एंड 8, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें से 4 और 8 आए और ऑपरेशन आप कोई भी यूज कर लें और आंसर उसका 10 आना चाहिए, तो हमें पता है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि आप 4 या 8 में से किसी भी डिजिट को चाहें तो एक से ज्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपको कोई भी एक्सप्रेशन बनानी है, आप कोई भी डिजिट यूज कर लीजिए, कोई भी नंबर यूज कर लीजिए, लेकिन आपको चारों ऑपरेशन उसके अंदर यूज करने हैं और उसका आंसर 10 के बराबर आना चाहिए। तो इन शॉर्ट यहां पे डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस आपको गिवन है, आपको इन डिस्क्रिप्शंस को फॉलो करते हुए कुछ एक्सप्रेशंस यहां पे लिखनी है और जो एक्सप्रेशंस आप लिखेंगे उन सब के आंसर्स 10 के ही बराबर होने चाहिए। करेंगे इसको इंशाल्लाह, ये आपके लिए ट्रिकी होगा, एक पजल टाइप का होगा, आप मजा आएगा इसको सॉल्व करने के, कीजिएगा। जब आप ये सॉल्व एक्सप्रेशंस बना लें तो आपको प्रूव करना है अपने आप को, क्या मतलब है, तो ये जो आपने तीन एक्सप्रेशंस बनाई होंगी आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें दिखाएंगे कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के तहत अगर आपकी एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाए तो वाकई में उनका आंसर 10 के ही बराबर आएगा, ठीक है? तो आपको पहले एक्सप्रेशंस बनानी है और उसके बाद प्रूफ करना है कि आपने एक्सप्रेशंस बिल्कुल ठीक बनाई है और सब सबके आंसर्स 10 के ही बराबर आ रहे हैं।
बेसिकली यही दो टास्क हैं आपके पास इस एक्सप्रेशन में। तीसरा जो टास्क है वो प्रैक्टिस है। जब आप ये दोनों टास्क कर लें तो आपके पास ये स्किल है IXL की, इसको आप कोर्ट से भी सर्च कर सकते हैं 9HE, इसको आपको IXL पे खोलना है और इस स्किल को मास्टर कर लेना है। ठीक है, जब आप ये टास्क कर लेंगे और उस वीडियो को वॉच कर चुके होंगे तो ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत आसान होगा। और इसी असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपके असाइनमेंट में एक वीडियो अलग से भी अटैच कर दी गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कमिंग असाइनमेंट। वी होप कि आपको एंजॉयमेंट, आपको मजा आएगा असाइनमेंट करने में। असाइनमेंट में थोड़ा सोचना है, थोड़ा अपने आप को पजल कीजिए, थोड़ा अपने आप को चैलेंज कीजिए, फिर उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। तो प्लीज असाइनमेंट को सबमिट कीजिएगा, ड्यू डेट आपके पास है नेक्स्ट फ्राइडे की, उससे पहले सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।